तो आज मैं आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज लेकर आ चुकी हूँ, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं इस मंथ के बिल्कुल नए 5 to 6 अलग अलग डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन। यहाँ पे आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों ही। आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, नोटिफिकेशन वाइज हर चीज़ आपको डिटेल में यहाँ पर समझाने वाली हूँ, ठीक है। आप किसी भी क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड से आप डेफिनेटली यहाँ एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। और कैसे अप्लाई करना है, हर एक नोटिफिकेशन वाइज मैं आपको डिटेल में समझाऊँगी। वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि वीडियो का हर एक पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, दो काम आप जरूर करना। पहला, आप कौन सी लोकेशन से इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, फटाफट कमेंट कर देना, ताकि आपके नियर बाय जो भी पोस्ट आती है हम उसको ज्यादा से ज्यादा कवर कर पाए, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए, आपका एक लाइक मोटिवेट करता है आपके लिए नए नए अपडेट लेकर आने का। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मीत एंड यू आर वॉचिंग टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट आए हुए 5 to 6 जॉब नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि बिल्कुल नए नोटिफिकेशन आए हैं। एक एक नोटिफिकेशन का हम बात करेंगे, पोस्ट के कौन कौन सी है, पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग आपके इसमें किस तरीके से होने वाली है। बहुत बड़ी गुड न्यूज आप सभी के लिए मैं लेकर आ चुकी हूँ, इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखा करें, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि इसके बाद जो चैनल पर वीडियो आ रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। बाकी इस अपडेट के अलावा और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिनकी वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। आप अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग हमारी ऑफिशियल साइट glory.com, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेकर आप उन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमारी ऑफिशियल साइट का मैंने सीधा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर क्लिक करके हमारी ऑफिशियल साइट पर पहुँच जाएंगे, वैकेंसी को चेक करके आप अप्लाई कर लेना। चलिए, ज़्यादा टाइम लेंगे, हम सीधा बात करेंगे लेटेस्ट 5 to 6 अलग अलग डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन के बारे में, कौन कौन से नोटिफिकेशन आए हुए हैं वन बाय वन कवर करेंगे, देन बात करेंगे पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी के बारे में। दो चीजें हर नोटिफिकेशन की आपने ध्यान से समझनी है, पहली चीज अप्लाई प्रोसेस, सेकेंड चीज आपकी सिलेक्शन कैसे होनी है, ठीक है। सारा कुछ उसी पर डिपेंड करता है, तो वीडियो को एंड तक देखना, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आपको मैं बताने वाली हूँ, ओवरऑल अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, आप किसी भी क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड से, सभी के लिए वैकेंसीज आ गई हैं, हर चीज़ आपको डिटेल में समझाऊंगी। एक और आपके लिए गुड न्यूज़ है, देखिए प्राइवेट डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आई है। एक आ चुका है नोटिफिकेशन अमेजोन की तरफ से, फ्लिपकार्ट की तरफ से और विप्रो की तरफ से। ये तीनों वीडियोज आपको इसके बाद मिलेंगी हमारे सेकेंड यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है मीत शर्मा। यूट्यूब में टाइप करना है मीत शर्मा चैनल, ये चैनल आपको मिल जाएगा, ये बैनर है, आप देख सकते हैं, ठीक है, जाके सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल हम बात कर रहे हैं लेटेस्ट 5 to 6 अलग अलग नोटिफिकेशन के बारे में, जहां सबसे पहले चलते हैं पहले नोटिफिकेशन पे। पहला ये जो नोटिफिकेशन है, मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन था ये इंडिया पोस्ट ऑफिस का। ये जो आपका नोटिफिकेशन है, आप इंडिया में किसी भी लोकेशन से बिलोंग करते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों ही। नोटिफिकेशन आप देख पा रही है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से है। अप्लाई मोड ऑनलाइन है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकती हैं। सबसे अच्छी बात यह, जॉब लोकेशन आपके नियर बाय मिल रही है, ठीक है, तो अप्लाई आप जरूर करिएगा। नेक्स्ट में सबसे पहले इसमें बात करें आपकी एप्लीकेशन फ़ी। अगर देखिए आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, आप मेल कैंडिडेट है, 100 रुपये फ़ी है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है, कोई फ़ी नहीं है। इसी के साथ अगर रिजर्व कैटेगरी की बात करें, उनके लिए भी कोई फ़ी नहीं है। ओवरऑल जो आपके यहाँ पर फ़ी है, सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट की है, वो भी अनरिजर्व के लिए 100 रुपीज़, जो आपको ऑनलाइन पे करना है। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग को यूज़ करके आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें इसमें पोस्ट कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे तीन तरीके की पोस्ट है। सबसे पहले अगर यहाँ पे पोस्ट की बात करें, तो वो है आपके यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम पोस्ट के लिए बात करें, तो वो है आपके यहाँ पे पोस्टमैन के लिए, ठीक है। उसके बाद मेल गार्ड की वैकेंसीज है। अब यहाँ बात आती है पोस्ट वाइज क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले MTS के लिए हम बात करें, यहाँ पे 10th, 12th ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। पोस्टमैन के लिए 12th ग्रेजुएट दोनों, मेल गार्ड के लिए 12th ग्रेजुएट दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकता है। अगर यहाँ पे ओवरऑल मैं आपको सैलरी के बारे में बताऊँ, तो यहाँ पे आपकी लेवल 3 के अकॉर्डिंग सैलरी है, जो कि आपकी 21,700 से 69,100, ठीक है। ये आपकी ओवरऑल सैलरी मैंने आपको बताया है, जो मिनिमम आपकी स्टार्टिंग है वो 21,700 से ही है।
नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें रिजर्वेशन के रिगार्डिंग कुछ मेंशन नहीं है, सिलेक्शन की बात करें मेरिट बेस आपकी यहाँ पे सिलेक्शन हो रही है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट देख लेना, डॉक्यूमेंट का ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको जाना है क्या क्या लेके जाना है समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए 10th का सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, आधार कार्ड इसको आप इग्नोर करिएगा ठीक है। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है वो आपको यहाँ पे लेके जाना होगा, ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ठीक है। अब यहाँ पे इन वैकेंसीज के लिए बात आती है एज लिमिट क्या रहने वाली है, तो इनके लिए देखिए मिनिमम 18 मैक्सिमम 37 प्लस आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है जो कि नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको ओबीसी को 3 साल, SST को 5 साल का, अदर्स के लिए एज पर नॉर्म्स यहाँ रिलैक्सेशन जो है वो आपको मिलने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें इंपॉर्टेंट लिंक आपको यहाँ मिल जाते हैं जहाँ पे आप नोटिफिकेशन को रीड करके अप्लाई कर पाते हैं ठीक है। अब ये तो हो गया आपका पहला नोटिफिकेशन, अब बात करते हैं यहाँ पे सेकंड नोटिफिकेशन के बारे में। सो सेकंड आपका जो नोटिफिकेशन है ये आपका आ चुका है बिल्कुल नया नोटिफिकेशन DRDO की तरफ से, मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये नोटिफिकेशन है जहाँ पे फ्रेशर्स कैंडिडेट इन्वाइटेड है अप्लाई कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन की खास बात ये है कि यहाँ पे मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लोकेशन का कोई बैरियर नहीं है और यहाँ मैंने आपको पहले भी बताया फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह कोई एग्जाम नहीं है, डायरेक्ट आपके यहाँ पे सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग जो है वो हो रही है ठीक है। यहाँ पर अप्लाई शुरू हो चुका है, विद इन 21 डेज आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, जो जिस तरह तारीख को नोटिफिकेशन जैसे आज रिलीज हुआ तो उसके 21 डेज के अंदर आपको अप्लाई यहाँ करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो मेल एंड फीमेल दोनों, जो मैंने आपको पहले भी क्लियर किया है। एप्लीकेशन फी की यहाँ पे बात करें, आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, चाहे अनरिजर्व्ड है चाहे रिजर्व्ड है, मतलब चाहे आप जनरल ओबीसी EWS SC ST या किसी अदर कैटेगरी से हैं, आपको यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई फी आपको पे नहीं करनी है, फ्री में अप्लाई करना है। वैकेंसीज की यहाँ पे बात करें, इस बार ये जो वैकेंसीज आई है 2 तरीके की आई हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो पोस्ट है फ्रेशर्स के लिए GRF मतलब जूनियर रिसर्च फेलो की पोस्ट है, नेक्स्ट है आपकी रिसर्च एसोसिएट के लिए ठीक है। ये 2 तरीके की प्रोफाइल है, एक तो आई हुई है यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए, एक आई हुई है यहाँ पे एक्सपीरियंस के लिए, दोनों आप चेक करके अप्लाई कर लेना ठीक है। अब यहाँ पे इन वैकेंसीज के लिए बात करें, अगर एग्जाम नहीं है तो कैसे आपको यहाँ सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग मिल रही है, तो यहाँ पे आपको सीधा वेन्यू पे बुलाया जा रहा है, आपकी यहाँ पे जो है इंटरव्यू हो रही है उसके बेसिस पे इन वैकेंसीज में आपकी सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग है ठीक है। अगर यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें, इन वैकेंसीज के लिए ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया यहाँ शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट की इंटरव्यू हो रही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, दैट्स इट। एज आपकी मिनिमम 18 है, अप्लाई करें मैक्सिमम 37 प्लस आपको रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो सारा कुछ यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। अब आपको यहाँ लास्ट में चले जाना है, यहाँ पे देखिए ये जो पहले 2 आपको लिंक मिल रहे हैं ये GRF के हैं, सेकेंड दो लिंक हैं वो मैंने आपको जो नेक्स्ट पोस्ट बताई है उसके लिए। अब इसके लिए अप्लाई कैसे करना है वो ध्यान से समझना, क्योंकि आप में से 99% कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल और अप्लाई यहाँ कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया है, चाहे हम GRF की बात करें चाहे रिसर्च एसोसिएट की, नोटिफिकेशन PDF के साथ हमें एप्लीकेशन फॉर्म अटैच कर दिया है। सिंपली नोटिफिकेशन पे क्लिक करना, ओपन हो जाएगा आपके सामने, उसी के साथ एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने अटैच किया हुआ है, आपने इसको डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट निकालना है अच्छे तरीके से, उसको आपने बस स्टॉप फिल करना है। सबसे पहले टॉप में लिखना है पोस्ट अप्लाइड फॉर की आपको ऑप्शन मिलेगी, कौन सी पोस्ट को आप अप्लाई कर रहे हैं। इवन आप यहाँ दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप सारी एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं ठीक है। नेक्स्ट अपना नेम लिखिए, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टार्ट हो जाना, कब कहाँ से पास आउट किया, कौन से बोर्ड से, कितने परसेंटेज के साथ। सिंपली अब लास्ट में जाना है, डेट लिखना, सिग्नेचर करना है, इन्वेल्प में डालकर इनके एड्रेस पे आपको भेज देना है, एड्रेस उन्होंने नोटिफिकेशन में लिखा है, जैसे बताया वैसे अप्लाई करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये तो है सेकेंड नोटिफिकेशन, अब हम चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन पे। नेक्स्ट जो आपका नोटिफिकेशन है ये बिल्कुल नया नोटिफिकेशन है आपका रेलवे की तरफ से। बहुत दिन से कमेंट्स भी आ रही थी कि मैम रेलवे की क्लर्क की वैकेंसीज कब आएंगी, तो ये रेलवे की आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेकर आ चुकी हूँ, जहाँ पे ये आज से ही अप्लाई शुरू है ठीक है। हर चीज़ डिटेल में आपको समझाऊंगी। ये जो रेलवे की वैकेंसीज आई हुई है इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करिए अप्लाई आज से शुरू है, जो मैंने आपको पहले ही बताया
तो विद इन 30 days आपको यहाँ पे अप्लाई जो है वो कर लेना है, मेल एंड फीमेल दोनों को। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें एप्लीकेशन फी के बारे में, तो यहाँ पे देखिए जनरल OBC EWS कैंडिडेट हो, ठीक है, SC ST PWD कैंडिडेट या अदर रिजर्व कैटेगरी, फी यहाँ कुछ डिस्क्राइब नहीं किया। अगर होती तो ये मैंशन करते तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई फी नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे पोस्ट कौन कौन सी है, तो यहाँ पे दो तरीके की वैकेंसीज है। पहली है यहाँ पे असिस्टेंट की, ठीक है, उसके बाद सेकंड है आपकी क्लर्क के लिए। इन वैकेंसीज के लिए रिजर्वेशन के रिगार्डिंग कुछ इन्होंने मेंशन तो नहीं किया, आप नोटिफिकेशन एक बार खुद से भी देख लेना। अगर हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें, 12th ग्रेजुएट अप्लाई यहाँ कर सकते हैं। सिलेक्शन की बात करें, आपका यहाँ पे पहले रिटन एग्जाम हो रहा है, देन आपका यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट हो रहा है, ठीक है, उसके बाद आपके यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इसको आप इग्नोर करिए, तो आपके सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके बाद, देन आपकी सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग है। तो यहाँ पे आपकी अगर जो एज मिनिमम 18 है और मैक्सिमम आपकी 40 आप अप्लाई करें। अगर आप देखिए OBC कैटेगरी से है तो आपकी एज मिनिमम 18 मैक्सिमम 43 है। अगर आप SC ST कैटेगरी से है, मिनिमम 18 मैक्सिमम जो आपके यहाँ पे एज है वो आपकी 45 है, ठीक है। मतलब OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन है एंड SC ST को 5 साल का, और अनडिजर्व के लिए 18 to 40 आपकी एज आप अप्लाई कर सकते हैं। इधर आपको नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा, इधर अप्लाई का क्लिक करके आप यहाँ अप्लाई इन वैकेंसीज में कर सकते हैं। ये तो है आपका थर्ड नोटिफिकेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन पर। नेक्स्ट आपका जो नोटिफिकेशन है, मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन था ये, बिल्कुल नया नोटिफिकेशन जो कि आपका SSC का है। अप्लाई ऑनलाइन करना है, इन वैकेंसीज के लिए भी कोई भी अप्लाई कर सकता है, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, ITI, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आपको यहाँ पे ऑनलाइन करना है, विद इन 30 days आपको यहाँ पे इन वैकेंसीज में अप्लाई कर लेना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें आपकी एप्लीकेशन फी की, तो यहाँ पे ओवरऑल जो आपकी फी है जैसे पोस्ट ऑफिस की होती है, सेम इसी तरीके से है। अनडिजर्व के मेल कैंडिडेट की 100 rupees, बाकी किसी के लिए कोई भी फी नहीं है, फीमेल की कोई भी फी नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें पोस्ट कौन सी है, तो ये आपकी वैकेंसीज है MTS, मतलब मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज अभी डिस्क्राइब तो नहीं है, बट यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आप किसी भी क्वालिफिकेशन से अप्लाई करें, मिनिमम 10th पास यहाँ पे मांगा गया है, ठीक है। अब इन वैकेंसीज में आपका पहले CBT एग्जाम हो रहा है, ठीक है, मतलब आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे, देन आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बेसिस पे सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग है। अगर यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी की बात करें, 22,000 पर मंथ है। अगर इसमें एज लिमिट की बात करें, इसमें दो तरीके की बेसिकली वैकेंसीज आती है, एक के लिए एज मिनिमम 18 मैक्सिमम 27 होती है, और एक सेकेंड वैकेंसीज आती है सेम पोजिशन के लिए, डिपार्टमेंट का फर्क होता है, ठीक है, मिनिमम 18 मैक्सिमम 25, ठीक है। आप दोनों के लिए यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं, आपको रिलैक्सेशन जो मिलेगा, OBC 3 साल, SC ST 5 साल, अदर्स को एज पर नॉर्म्स मिलने वाला है। अब डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए वो सारा आप यहाँ पे रीड भी कर सकते हो, ठीक है, मिल जाएगा। फिर देन इसके लिए आपको अप्लाई लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे अपने आपको रजिस्टर करके लॉगिन करके आप अप्लाई कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन पर। नेक्स्ट आपका ये जो नोटिफिकेशन है, मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन था आपका रेलवे TTE और TC की वैकेंसीज का। इन वैकेंसीज के लिए भी आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों। जॉब लोकेशन इसमें आपकी अक्रॉस इंडिया रहेगी, ठीक है, और बहुत ही रिप्यूटेड प्रोफाइल के लिए वैकेंसीज हैं, आप सब जानते हैं, काफ़ी टाइम से इसका वेट था, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। इंडियन रेलवे की तरफ से ये वैकेंसीज हैं, मेल फीमेल दोनों की। सो नेक्स्ट अगर इसमें एप्लीकेशन फी की बात करें, अगर यहाँ पे हम बात करें जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए, मतलब अनडिजर्व कैटेगरी के लिए 500 एप्लीकेशन की फ़ी है। अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट है, 250 एप्लीकेशन फ़ी है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है और आप मेल कैंडिडेट है, तब भी आपकी 250 एप्लीकेशन की फ़ी है। आपको दोनों कंडीशन में, इवन तीनों कंडीशन में फ़ी रिफंड हो जाएगी, चाहे आप फीमेल कैंडिडेट हैं, चाहे आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, चाहे अनडिजर्व कैटेगरी से है, जब आप अपना CVT एग्जाम देते हैं उसके बाद वापस हो जाते हैं, ठीक है, बैंक चार्जेस कटने के बाद। अब यहाँ पे पोस्ट के बारे में बात करें, सबसे पहले यहाँ पे है ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर की, उसके बाद नेक्स्ट है आपकी टिकट कलेक्टर की वैकेंसीज, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें आपकी, इनमें वैकेंसीज गुड्स गार्ड की है, ठीक है, कमर्शियल क्लर्क की वैकेंसी, ये सारी वैकेंसीज है इसमें। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी के बारे में, 10th, 12th ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करें, यहाँ पे 3 stages आपकी सिलेक्शन है। पहले आपका यहाँ पे हो रहा है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, जो कैंडिडेट यहाँ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अपना क्वालिफाई कर लेंगे, उनका यहाँ पे होगा मेडिकल टेस्ट, ठीक है। मेडिकल टेस्ट में सब कुछ ओके रहता है, लास्ट आपका बचता है यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन,
उसके बेसिस पे आपकी सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग। तो यहाँ पे देखिए जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक, ठीक है, टेक्निकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस के आपके रहेंगे। ये आपके हर सब्जेक्ट के देखिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के हैं, मतलब ये 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के हो जाते हैं। जहाँ पे आपको ये जो टाइमिंग मिलने वाली है, ये आपको 2 आवर्स का मतलब 120 मिनट आपको यहाँ मिलेंगे। जीगा एज आपकी मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 32, प्लस आपको यहाँ रिलैक्सेशन मिल रहा है जिसमें OBC का 3 साल का, SC का जो रिलैक्सेशन है वो आपका 5 साल का है। अगर आप PWD अनडिजर्व्ड हैं या रिजर्व कैटेगरी से, तो आपको अलग रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल सकता है। अगर हम यहाँ पे बात करें इन वैकेंसीज के लिए आप कब से अप्लाई कर सकते हैं, इसका तो अभी देखिए शॉर्ट अपडेट ही आया है। इसके लिए हमें नेक्स्ट मंथ कंप्लीट नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। इसमें 99% चांसेस है कि हमें इसका नोटिफिकेशन कंप्लीट नेक्स्ट मंथ देखने को मिल सकता है। तो मैंने आपको इस वीडियो में जो है 5 नोटिफिकेशन टोटल बताए हैं, ठीक है, जिनमें 2 से 3 के लिए अप्लाई भी शुरू हो चुका है, 1-2 के लिए अभी कंप्लीट नोटिफिकेशन आना पेंडिंग है, ठीक है। मैंने आपको ना अपनी साइट का लिंक सीधा डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ पे क्लिक करके आप वैकेंसीज को चेक कर लेना है। सारे डिपार्टमेंट वाइज जिसके लिए अप्लाई शुरू हो गया आप अप्लाई कर लेना। जिसके लिए भी शॉर्ट अपडेट है उसके लिए मैं आपके लिए कंप्लीट वीडियो भी ले आऊँगी, जैसे इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने टोटल 5 जो नोटिफिकेशन डिस्कस की है, इनको आपने क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ सबसे पहले शेयर ज़रूर करना है ताकि वो भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर पाए। सेकेंड चीज़ आपने ज़रूर करनी है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी लोकेशन क्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना ताकि आपके नियर बाई जो भी वैकेंसी आती हैं हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाए। देखिए चाहे गवर्नमेंट वैकेंसीज हैं चाहे प्राइवेट वैकेंसीज हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है चाहे अपकमिंग है, इवन एडमिट का रिजल्ट, ठीक है, एग्जाम डेट से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन आपको हमारे ऑफिशियल चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया पे सबसे पहले प्रोवाइड की जाती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखा करें, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो अगली वीडियो चैनल पे आएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। इसके अलावा हमारा जो सेकंड चैनल है मीत शर्मा यूट्यूब में टाइप करके सब्सक्राइब कर लेना, कुछ अपडेट आपको यहाँ मिल जाते हैं कुछ वहाँ मिल जाते हैं, लेकिन हाँ दोनों चैनल पे आपको अलग अलग कंटेंट ही मिलता है, तो जाके आप सब्सक्राइब कर लेना। आपका कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हमारी टीम बैठी है डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिलेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर आप फॉलो कर लेना, इंस्टा पे, फेसबुक पेज पर, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। आपके किसी भी नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है कमेंट करना, आपकी क्वालिफिकेशन, अपनी लोकेशन फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखनी है ताकि आपके नियर बाय जो भी पोस्ट आती है मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए लेकर आ पाऊँ। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो मिलेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।